हेलो तो नमस्कार साथियों, इस वक्त की एक और अहम बड़ी खबर आज आरपीएससी लेक्चरर भर्ती 2022 को लेकर जॉइनिंग डेट जैसे कि अभ्यर्थियों के रैंक और रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन जारी कर दिए हैं। पर इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है आरपीएससी में एसओजी की एंट्री जॉइनिंग पर रो। तो जी हाँ दोस्तों, जो अनिल पहलवा हैं जो एसओजी टीम के जो डीजीपी हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है। तो चलिए वीडियो अंत तक जरूर बने रहना, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना अपने साथियों के साथ। तो चलिए बता दें क्या अपडेट है एसओजी की तरफ से। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं आप, राजनीति विज्ञान में लाखाराम ने 12.50 लाख देगा, सरकारी शिक्षक की परीक्षा में बैठा था, केस दर्ज हो चुका है। तो यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करीब एक साल पहले की गई थी भर्ती, लेक्चरर राजनीति विज्ञान और कृषि विषय की परीक्षाओं में अभ्यर्थी द्वारा अपने स्थान पर अन्य अभ्यर्थियों को बैठाकर के मामले में राजनीति विज्ञान अभ्यर्थी लाखाराम ने अपने स्थान पर सरकारी शिक्षक अशोक कुमार बिश्नोई को बैठाया था। इसके लिए लाखाराम ने बिश्नोई को 12.5 लाख रुपये दिए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों मामलों में जाँच कर रहा है जो खान साहब हैं जो एसओजी टीम के हैं, तो दोनों में जाँच कर रहे हैं। अगर इस भर्ती परीक्षा में इस कुछ बड़ा पाचन तंत्र या कुछ ऐसा ज़्यादा अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उसको भर्ती को निरस्त भी किया जा सकता है। तो यह कहना आयोग को लगातार शिकायतें, एसओजी का पत्र बनाया आधार, अब एसओजी टीम है इसको जांच करी पूरी तरीके से। अगर एसओजी टीम को लुप्त पाए गए ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी तो इस भर्ती परीक्षा आपकी रद्द हो सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं 2022 की 6000 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की गई थी भर्ती, शामिल अभ्यर्थी दस्तावेज 6 जून को काउंसलिंग के माध्यम से शुल्काय रोजीना 300 अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था, बाद में अभ्यर्थी संख्या बढ़कर 450 प्रतिदिन हो गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ये मामला है, तो इस पर केस भी दर्ज हो चुका है दोनों मामलों पर। तो यहाँ पर अधिनियम 2022 419, 420 और 420 बी के तहत आईपीसी के धारक तहत इसमें केस हो चुका है। लाखाराम पुत्र झूठाराम के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। तो महमूद खान ने बताया है कि आयोग सचिव सांचौर निदेशक के दिनेश कुमार पुत्र सोनाराम और रिचवा जालौर निवास लाखाराम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, दोनों के जांच कर रहे हैं। मामले के आधार पर धारा 3/10 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित स्थान पर रोकथाम के लिए, यानी कि ये डमी विद्यार्थी का केस यहाँ पर लगाया गया। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी लुप्त पाते हैं तो भर्ती परीक्षा रद्द हो जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। जय हिंद, जय भारत।